गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस ये कंप्लीट कर दिया था, लेकिन दो वीडियो एक ही जैसे बने थे, तो उसमें पहले वीडियो में जो कुछ पॉइंट था वो मिस हो गया था, उसी को बताना है। जैसे इन्फेंसी क्या होता है, इन्फेंसी बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक की जो एज होती है इसी को इन्फेंसी कहा जाता है। द स्टेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू आफ्टर अबाउट 2 ईयर्स, पैदा होने से लेकर के 2 साल तक के बीच की जो एज होती है उसको इन्फेंसी कहते हैं, और उसके बाद 2 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स की जो एज होती है उसको चाइल्डहुड कहा जाता है, ठीक है। और एडोलेसेंस क्या किसे कहते हैं, ये चैप्टर का नाम भी एडोलेसेंस। चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है जिसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसी को कहा जाता है एडोलेसेंस। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, यानी चाइल्ड से लेकर के एडल्ट बनने तक के जो पीरियड है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिशन होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं, उसी को कहते हैं एडोलेसेंस। और प्यूबर्टी क्या होता है, इसी पीरियड में बॉडी में जो चेंजेस दिखाई पड़ते हैं ना उन्हीं चेंजेस को प्यूबर्टी कहा जाता है। ये दो टॉपिक हैं, एडोलेसेंस और प्यूबर्टी, चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड तक के बीच का जो पीरियड है इसको कहते हैं एडोलेसेंस, और उस पीरियड में बॉडी में जो चेंज आता है उसको कहा जाता है प्यूबर्टी। अब बॉडी में कौन कौन से चेंज आते हैं प्यूबर्टी में, है ना, सबसे पहले हाइट आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है, गर्ल्स की हाइट ज़्यादा इंक्रीज होती है शुरू में, बॉयज़ की हाइट कम इंक्रीज होती है, लेकिन 18 ईयर्स होते होते बॉयज एंड गर्ल की जो हाइट है वो इक्वल इंक्रीज होती है, उसके बाद हाइट इंक्रीज नहीं होती है। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में भी चेंजेस होते हैं, आप देखो मसल्स स्ट्रांग होती हैं, है ना, बॉडी में ग्रोथ होती है। चेंज इन वॉइस, वॉइस चेंज हो जाती है, बॉयज़ की वॉइस हार्स हो जाती है, गर्ल्स की श्रिल हो जाती है, बॉयज़ में यहाँ पर एडम्स एप्पल निकल आते हैं, ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में एडम एप्पल्स क्या होते हैं, वॉइस बॉक्स ही होते हैं जो थोरैकिक रीजन में दिखाई पड़ते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस आता है क्या, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड, पसीना बहुत ज़्यादा निकलने लगता है और ऑयल ग्लैंड, ऑयल सिक्रीट होने लगता है, बॉडी में एक ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं सीबीसीएस ग्लैंड, वो ऑयल का सिक्रीशन करने लगती है, और सेक्स आर्गन डेवलप हो जाते हैं, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज, जिससे टेस्टिस से स्पर्म और ओवरीज से ओवा बनने लगता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यही जो प्यूबर्टी के दौरान बॉयज एंड गर्ल्स में चेंजेस आते हैं उसी को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहा जाता है। देखो दो प्रकार के कैरेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब उसकी एज होती है 12 साल से लेकर 18 ईयर्स के बीच में, तब उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, वो कहलाती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे मेल और फीमेल, मेल में हेयर आने लगते हैं, फीमेल में भी हेयर आने लगते हैं, मेल की वॉइस हार्स हो जाती है, फीमेल की वॉइस श्रिल हो जाती है, वेट दोनों का बढ़ने लगता है, मेल में जो मेल गैमिट है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, टेस्टिस से स्पर्म और फीमेल में ओवरी से ओवा बनने लगता है। इसके अलावा 2 हार्मोन्स निकलने लगते हैं, जैसे टेस्टिस से एंड्रोस्टिरोन, टेस्टोस्टिरोन, और ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनने लगता है। अब उसके बाद से एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग थी इंडोक्राइन सिस्टम, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी ग्लैंड पाई जाती हैं जिसको इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती हैं, इनमें से हार्मोन्स बनते हैं और जिस आर्गन तक पहुंचने होते हैं वो पहुंच जाते हैं। तो कुल आपकी बॉडी में 6 इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में लिखा गया है, इसमें सबसे पहले पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैनक्रियाज है, एडिनल है, टेस्टिस है और ओवरी है। पिट्यूटरी ये ब्रेन में पाई जाती है, इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी ग्लैंड हैं, सबको कंट्रोल करती है। थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी की वजह से ये ग्लैंड फूल जाती है यहाँ गर्दन के पास, और ग्वाइटर यानी घेघा बन जाती है। अगर
अगर इसको दूर करना है तो नमक में आयोडीन खाना पड़ेगा। पैनक्रियास देख लो एक ऐसी ग्लैंड है जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, यानी इससे हार्मोन्स भी निकलता है और कुछ और चीज़ें भी निकलती हैं, जैसे पैनक्रियाटिक ज्यूस आपने पढ़ा होगा, पैनक्रियास से ही निकलता है। और इंसुलिन एक हार्मोन है जो निकलता है, इसका काम होता है ग्लूकोज की क्वांटिटी को कंट्रोल करना। अगर इंसुलिन बॉडी में कम बनेगा तो ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, उसी को हम कहते हैं डायबिटीज़ हो गया। एड्रिनल, इससे हार्मोन का नाम है एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन हार्मोन क्या करता है, ये एड्रिनेलिन हार्मोन जब शरीर में जब आपको गुस्सा आता है, आप डर जाते हो, तो ये एड्रिनल हार्मोन निकलने लगता है, इसलिए इसको लड़ो या उड़ो, फाइट आर फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, इसका काम होता है स्पर्म को बनाना, और जो कैरेक्टर आते हैं बॉयज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओवरी में एस्ट्रोजन बनता है, इसका काम होता है एग बनाना, ओवा बनाना, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये टॉपिक था जो वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन वो आपके पास पहुंचा नहीं था किसी वजह से। अब इसको आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं।